नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल के कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, किस किस स्थान पर हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें विशेष बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने उत्तराखंड का मैप बनाया, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देते हैं लोकेशन को, सारे जो जिले थे ये सब अच्छे से हमने डिस्कस किए थे, तो एक बार बता दीजिए ये कौन सा जिला है। यस, पिथौरागढ़, वेरी गुड। चमोली, उत्तरकाशी, पढ़ा था हमने, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है, बहुत बढ़िया, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। इसके बाद देहरादून, हरिद्वार, यूपी से मिलने वाले पांच। यस, हाँ जी, वेरी गुड। यस, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, ये यहां से, ओके, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ओके, पांच हो गए, ठीक है। और उत्तरकाशी के नीचे दो कौन से, टीडी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, और चमोली के नीचे दो, बागेश्वर और अल्मोड़ा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो साक्ष्य पढ़ते हैं, हुडली। हुडली जो है उत्तरकाशी में है, हुडली जो है उत्तरकाशी में है। और इसकी विशेष बात क्या है, जो यहाँ शैल चित्र है वो नीले रंग के, ब्लू कलर के हैं, किसके हैं, ब्लू, ठीक है, क्या है, ब्लू कलर के। तो हुडली में जो शैल चित्र अर्थात जो पत्थर, शैल मतलब पत्थर, यानी कि जो चट्टान पर जो चित्र बनाए गए हैं वो क्या है, यस, ब्लू कलर के हैं, ओके। देखिए, आप समझ रहे हैं ना, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि जिसके जिस काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, जिस काल के लिखित साक्ष्य नहीं है, मनुष्य थे, ठीक है, उस समय थे, जीवन यापन कर रहे थे, रह भी रहे थे, खा भी रहे थे, सब काम, ओके, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है, तो क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल। तो हुडली कहां है, रिप्लाई कीजिए, यस, उत्तरकाशी में। विशेष बात क्या है, यस, जो यहां शैल चित्र मिले हैं वो किस रंग के हैं, यस, ब्लू। नॉर्मली हम ब्लू बोलते हैं, नीला तो कम बोलते हैं, तो ब्लू बोल दीजिए, ठीक है, जो नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है, तो ब्लू कलर के, ओके। आगे बढ़िए, देखिए, चमोली में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, चमोली और अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा को अलग से पढ़ेंगे। तो चमोली में जो मलारी है, मलारी चमोली में बिल्कुल उत्तर में है, तिब्बत के बिल्कुल सटावा क्षेत्र, तिब्बत के बिल्कुल पास, तो मलारी चमोली में है। और यहां से मिले हैं नर कंकाल प्लस जानवरों के कंकाल, ठीक है, नर कंकाल के मनुष्य के प्लस जानवरों के कंकाल, कंकाल मतलब अंग, कंकाल मिले होंगे तो आइडिया लगा है ये उनके अंग है, ठीक है, तो नर कंकाल मिले हैं, या कह सकते हैं जानवरों के अंग मिले हैं, ठीक है, जानवरों के अंग मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं, शवाधान मिला है, तो शवाधान में मिले होंगे सब चीजें, ठीक है, तो शवाधान, नरकंकाल, जानवरों के कंकाल या जानवरों के अंग प्लस, तो ये चीजें क्या लग रही है, नेगेटिव, कंकाल मिल रहा है तो क्या नेगेटिव, कहीं ना कहीं कुछ पता चल रहा है, नेगेटिव, ओके। और अच्छी चीज क्या मिली, अच्छी चीज ये मिली, लगभग 5 किलो यानी 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिल गया और बर्तन मिल गया। एक नेगेटिव चीज मिली, कंकाल किसके, नर के भी हैं और यानी कि मानव के नर कंकाल और जानवरों के कंकाल या जानवरों के अंग आप कह सकते हैं, ओके, नेगेटिव चीज। और पॉजिटिव, बिल्कुल बहुत बढ़िया, खुश हो गए, मन प्रसन्न हो गए, क्या, यस, 5.2 kg का सोने का मुखावरण, ओके, मुखोटा प्लस बर्तन। जो ये बर्तन मिले हैं, ये जो पाकिस्तान की स्वाद घाटी है, जो वहां बर्तन मिले हैं उससे काफी मिलते जुलते हैं, पाकिस्तान की स्वाद घाटी में जो बर्तन मिले हैं, ये वाले बर्तन उससे काफी मिलते जुलते हैं, ओके। और जो ये खोज हुई थी, ये सब चीज, इसकी खोज हुई थी 2002 में, तो आपको याद करना है, दो, ठीक है, नरकंकाल दो, शवाधान दो, 5.2 kg सोने का मुखावरण दो, तो ये 5.2 kg सोने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 2002 में। और जो ये है 2000 से 6वीं शताब्दी बीसी के पूर्व के हैं ये सब चीजें सामान, ठीक है, ये जो चीजें साक्ष्य मिले। आगे बढ़ते हैं,
देखिए अलकनंदा नदी जा रही है और अलकनंदा के पास नदी हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अलकनंदा नदी के पास एक महत्वपूर्ण जगह है ग्वार खया गुफा। ग्वार खया क्या है? ग्वार खया गुफा, और ये डुंगरी गांव के पास है। अलकनंदा नदी के निकट ग्वार खया गुफा डुंगरी गांव के पास, ठीक है। अब इसकी जो विशेष बात है, यहां पर क्या मिला? भेड़, भेड़ के चित्र, भेड़ प्लस बारासिंगा, भेड़ के बाद बारासिंगा याद कर लेते हैं, भेड़, ठीक है ना, तो आराम से जाएगा। भेड़, बारासिंगा और लोमड़ी, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी, एक बार बोलिए जरा, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी, ओके, ठीक है, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी प्लस मानव के चित्र मिले हैं। विशेष बात क्या है? ये है कलरफुल, यानी कि रंगीन चित्र मिले। क्या मिले हैं? रंगीन चित्र मिले हैं, और रंगीन चित्र जो है यहां से मिले हैं लाखू से, अर्थात अल्मोड़ा से, लाखू मतलब हीरा, देखिए यहां से भी रंगीन चित्र मिले हैं, यहां से भी रंगीन चित्र मिले हैं लाखू, लाखू गुफा से जो अल्मोड़ा में है, यहां से भी रंगीन चित्र मिले हैं, और ग्वार खया गुफा से भी, लाखू ग्वार खया यानी कि जिसमें ख ख आ रहा है, वहां से रंगीन चित्र मिले हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये वाले रंगीन चित्र इसकी अपेक्षा, लाखों की अपेक्षा अधिक चटकदार हैं। क्या है? अधिक चटकदार, ओके। यहां किसके मिल रहे हैं? जानवरों के, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी। यहां किसके मिल रहे हैं? पशु, पक्षी और मानव जो है नृत्य करते हैं, ओके। अभी पढ़ेंगे इसको, क्लियर। अब बात करते हैं किमनी गुफा। देखिए जो किमनी गुफा है, किमनी गुफा जो है ये चंबली के लगभग दक्षिण में, मैंने कोशिश की पूरी एग्जैक्ट लोकेशन बनाने की, तो किमनी गुफा है जो चंबली के दक्षिण में है, और ये थराली के पास है। किसके पास है? थराली के पास, थराली के पास किमनी गुफा है। और इसकी विशेष बात यह है, यहां से हथियारों के चित्र और पशुओं के शैल चित्र, यानी कि आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि हथियार से क्या है? पशुओं को काटने वाले चित्र, केवल याद करने के लिए, ठीक है ना। हथियार से पशुओं को काटने वाले चित्र कहां से मिले? किमनी गुफा से, ठीक है। तो हथियार वाले चित्र और पशुओं के शैल चित्र किमनी गुफा से। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है, एक तो हथियार वाली विशेष बात हो गई, और दूसरी विशेष बात है ये सफेद रंग के हैं। तो किमनी गुफा से कौन से रंग के हैं बताइए? यस, सफेद रंग के। अगर मैं पूछूं ग्वार खया से कौन से रंग, कैसे? यस, रंगीन। लाखू से कैसे? रंगीन। हुडली से कैसे? नीले। बढ़िया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब किमनी हो गया, अब आते हैं, बात करते हैं बनकोट। देखिए जो बनकोट है ये पिथौरागढ़ में है, और यहां की विशेष बात यह है, यहां से 8 तांबे, सीयू मतलब कॉपर, ठीक है, सीयू मतलब कॉपर, तो 8 तांबे की मानवाकृतियां मिली हैं। तो 8 तांबे की मानवाकृतियां कहां से मिली है? रिप्लाई कीजिए, यस, पिथौरागढ़ से। देखिए बोलते रहिए आप, ठीक है, आपको मजा भी आएगा, इंटरेक्शन भी होगा और समझ में भी आएगा। एक रिवाइज करता है, हुडली, हुडली कहां है? यस, वेरी गुड, उत्तरकाशी में, बहुत बढ़िया। हुडली की विशेष बात क्या है? मैक्सिमम जगह चित्र मिले हैं और कुछ कंकाल भी है, शैल चित्र है, ठीक है, चट्टानों पर चित्र बने हुए। विशेष बात क्या? यस, नीले रंग के, ब्लू कलर के, ब्लू, ओके, अच्छा, सफेद कलर के क्या है? सफेद कलर के बताइए, यस, किमनी, किमनी, किमनी गुफा, किमनी गुफा कहां है? यस, थराली के पास। यहां से क्या मिले? सफेद रंग के, और क्या कर रहे हैं? हथियार से, यस, पशु को काट रहे हैं, याद करने के लिए, ओके। तो हथियार और पशु के शैल चित्र कहां है? किमनी। रंगीन कहां मिले हैं चमोली में? रंगीन, यस, ग्वार खया गुफा। किस नदी के पास है? वेरी गुड, अलकनंदा नदी के पास है, ओके। अब यहां से क्या क्या मिले हैं, किसके रंगीन चित्र मिले बताइए जरा? यस, वेरी गुड, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी, यही क्रम रखना हर बार, ओके, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी प्लस
माना के रंगीन चित्र, और ये वाले ज्यादा चटकदार हैं लाखों वाले सेल चित्रों से। ओके, आप देखिए ग्वार खैर डुंगरी गांव के पास किमनी होंगे, बनकोट, बनकोट से क्या मिला है? यस, आठ तांबे की मानवा कृतियां। ओके बड़ी, अब बात करते हैं मल्लारी चमोली में, तो मल्लारी से क्या मिला है बताइए जरा, पहले को नेगेटिव चीज बता दीजिए। यस, नरकंकाल और जानवरों के भी कंकाल, जानवरों के अंग। ओके, अब बढ़िया चीज क्या मिल गया एकदम से? यस, 5.2 केजी सोने का मुखावरण। और क्या मिला? बर्तन। किस घाटी के से मिलते जुलते हैं? यस, स्वाद घाटी जो पाकिस्तान में। अब ये चित्र बना है अल्मोड़ा का। ओके, अल्मोड़ा में भी बहुत सारे स्थान हैं, और ज्यादातर जो ये स्थान है, जो ये साक्ष्य मिले हैं, जो यहां से जो ये स्थान है, ये मान लीजिए ये अल्मोड़ा और बिनसर, अल्मोड़ा यहाँ की लोकेशन लगभग अल्मोड़ा है, और अल्मोड़ा और बिनसर के बीच है ये सारे के सारे चित्र। तो देखिए, एक है कसार देवी, कसार देवी, ओके, कसार देवी टेम्पल है, कसार देवी टेम्पल, यहां से मिला है 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण। ठीक है, कसार देवी, ओके, यहां से क्या मिला है? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण। अगर आठ की बात करें, आठ तांबे की मानव कृतियां, यस, बनकोट, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण, 14 लोग डांस कर रहे हैं, नर्तक हैं, डांस कर रहे हैं, कहां से मिला है? यस, कसार देवी। ओके, कहां से? कसार देवी टेम्पल, ठीक है, कह सकते इसको। और ये अब लाखों लाखों के भी बात की थी, ग्वार खयाल जैसा ही स्थिति है, यहां भी कलरफुल है, रंगीन है, लाखों में भी रंगीन है, लेकिन लाखों में कौन से है? पशु पक्षी, पशु पक्षी प्लस मानव, और मानव अधिकतर जगह क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं या शिकार कर रहे हैं। तो यहां आप इसको ऐसे कर लीजिए, और इसमें इसमें भी लाखों में या तो सिंगल डांस कर रहा है या ग्रुप में डांस कर रहे हैं, लाखों में या तो सिंगल डांस करते हुए वाले का चित्र है या ग्रुप में डांस कर रहे हैं। ओके, क्लियर। और जो ये है, ये सुयाल नदी के पास है, लाखों किस नदी के पास है? इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी बताइए जरा? यस, सुयाल नदी। तो लाखों किस नदी के पास है? सुयाल नदी, वेरी गुड। कौन सी नदी के पास है? यस, सुयाल नदी। ओके, और ये है दलबैंड में, ठीक है, दलबैंड के, दलबैंड में है लाखों गुफा, दलबैंड में है, सुयाल नदी के पास है, और दलबैंड है बाड़े छीना के पास। तो लाखू दलबैंड में बाड़े छीना के पास, सुयाल नदी के तट पर। ओके, सिंगल डांस या ग्रुप में डांस, और रंगीन चित्र पशु पक्षी मानव और डांस करते हुए। ओके, सिंगल डांस कर रहे हैं या मिलकर डांस कर रहे हैं? रंगीन चित्र। आगे बढ़ते हैं, कसार देवी हो गया, लाखों हो गया, अब बात करते हैं कफर कोट। देखिए, कफर कोट जो है ये पेटशाला और पूना कोट के बीच में, पेटशाला पूना कोट के बीच में कफर कोट है, और यहां डांस करते हुए मानवों को दिखाया गया है। ओके, विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है, ये कत्थई रंग का, कत्थई, तो कफर क कत्थई, कफर कत्थई, तो कफर कोट कत्थई रंग, कफर कत्थई। ओके, कफर कत्थई, कफर कत्थई, कफर कोट कत्थई रंग, क्लियर, कफर कोट कत्थई रंग, क्लियर, कफर कोट कत्थई, विशेष बात यह। अब आगे बढ़ते हैं, ये है लुए थाप। लुए थाप में क्या है? शिकार भी कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, शिकार भी कर रहे हैं, ग्रुप बनाकर शिकार भी कर रहे हैं लुए थाप में, और डांस भी कर रहे हैं। तो ये सब अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा। तो चाहे लाखू हो, लुए थाप हो, कफर कोट हो, कसार देवी हो, लाखू, लुए थाप, कफर कोट, कसार देवी, चाहे फल सीमा, ये सब अल्मोड़ा में। तो लुए थाप में आप ऐसे कर लीजिए कि सभी लोगों ने पहले ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाकर क्या किया? शिकार किया। तो देखिए, कब कोई काम जब हम सब मिलकर करते हैं तो आसान आसान हो जाता है ना, आसान, कम मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इन्होंने सब ग्रुप मिलकर ग्रुप बनाया और शिकार किया, और जब शिकार मिल गया खाने के लिए इनको, और फिर ये बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत डांस किया। ओके, तो पहले शिकार को पकड़ा, फिर डांस किया, कहां? लुए थाप, कहां? लुए थाप। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक जगह है फल सीमा, क्या है? फल सीमा, क्या? फल सीमा, ठीक है।
तो फल सीमा ये भी यहीं पर है अल्मोड़ा में है। इसमें जो विशेष बात है योग है। आप कहीं शिकार कर रहे हैं डांस के साथ, कहीं क्या कर रहे हैं पशु पक्षी हैं, ओके, लेकिन यहां पर क्या है योग भी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। फल सीमा में क्या है योग और नृत्य की मानव आकृतियां। फल सीमा में योग और नृत्य की मानव आकृतियां, योग भी किया और डांस भी किया, कहां फल सीमा। अच्छा इसमें एक चीज छोड़ गया, देखिए ये इसकी खोज हुई थी 1968 में, 1968 लाखों 1968 कौन सा सन, यस 68 याद कर लीजिए बस। राम गंगा घाटी, राम गंगा घाटी में मिला है, शवागार मिला है और कप मार्क्स मिले हैं। क्या मिला है, यस शवागार और कप मार्क्स, ओके पाषाण काल है, शवागार और कप मार्क कहां से, राम गंगा घाटी से, ओके। और जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से क्या मिले हैं, इससे मिले हैं धूसर मृद भांड, धूसर मृद भांड और चित्रित यानी कि डिजाइन किया हुआ, ठीक है। अब देखिए धूसर मृद भांड क्या होता है, स्लेटी कलर का, स्लेटी कलर का आप कह सकते हैं, स्लेटी कलर का बर्तन होते हैं और काले रंग से, काले रंग से उस पर क्या है चित्र बना दिया यानी कि डिजाइन, सुंदर क्या बना दिया, सुंदर बना दिया ब्लैक कलर से, उस पर डिजाइन बना दिया, लिख दिया मैंने यहां पर। तो स्लेटी रंग के होते हैं, जैसे नॉर्मली जो कच्ची जो जैसे कुम्हार वगैरह के पास होते हैं ना जो पोर्ट बनाता है, उसी टाइप का आप कह सकते हो, उस पर अगर ब्लैक कलर का कर दें तो क्या हो जाएगा धूसर मृदभांड, लेकिन ये कह सकते हैं स्लेटी रंग के। तो धूसर मृदभांड स्लेटी रंग के डिजाइन किए हुए मृदभांड, मृदभांड मतलब बर्तन, ओके मिट्टी के, क्लियर हो गया। और एक रिवीजन कर लें, देखिए मैं पूछूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा ये बताइए जो रंगीन चित्र दो जगह से मिले हैं, बताइए जरा कौन कौन सी जगह से, यस वेरी गुड, ग्वार खया से और लाखों से। ग्वार खया कहां है, यस चमोली, वेरी गुड बहुत बढ़िया। लाखों कहां है, यस अल्मोड़ा, बहुत अच्छा। ग्वार खया कौन सी नदी के पास है, वेरी गुड अलकनंदा। लाखों कौन सी नदी के पास है, लाखों बताइए, देखिए जरा, यस सुयाल, कौन सी नदी सुयाल, ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं है, लाखों सुयाल के पास है, वेरी वेरी क्लियर। और अलकनंदा के पास कौन सा है, ग्वार खया, वेरी वेरी क्लियर, ओके। अब ग्वार खया से क्या क्या मिले हैं, किस किस के रंगीन चित्र मिले हैं बताइए जरा, यस वेरी गुड, भेड़ बारहसिंगा और लोमड़ी प्लस मानव रंगीन चित्र, ओके। लाखों से बताइए जरा, यस पशु पक्षी मानव और नृत्य, क्लियर। और चटकदार कौन से वाले हैं, अधिकतर अधिक चटकदार, यस ग्वार खया वाले, ग्वार खया चमोली, ओके। इसकी खोज कब हुई, यस 68 में लाखों के, ठीक है। गुड़ली है, गुड़ली कहाँ है बताइए फटाफट, यस उत्तरकाशी। किस रंग के ये शैल चित्र मिले जरा, यस ब्लू। अच्छा कत्थई रंग के कहाँ मिले, कत्थई रंग वाले बताइए जरा, यस कफ्फरकोट, कफ्फरकोट डांस करते हुए, ओके पेटशाला पुनाकोट के बीच में, ओके। व्हाइट कलर के बताइए जरा, व्हाइट, यस वेरी गुड। किन्नी गांव हथियार प्लस पशु के शैल चित्र, व्हाइट कलर। 14 जो है नर्तकों की चित्र, 14 नर्तकों के चित्र कहां मिले बताइए जरा, कसार देवी, ठीक है कसार देवी टेंपल, कहां कसार देवी, ओके। और 8 तांबे की मानव आकृतियां कहां मिली है बताइए, यस बनकोट, बनकोट कहां है बताइए, वेरी गुड पिथौरागढ़, बनकोट कहां है पिथौरागढ़। सोने का मुखावरण कहां से मिला है, लोग नाम बताइए उस स्थान का, यस मल्लारी। और क्या मिला है वहां से, यस नरकंकाल, जानवरों के कंकाल, ये जानवर गैंग कह सकते हैं। किस सन में खोज हुई, यस 2 में, वेरी गुड। लाखों की, यस 68 में। और डुमरी गांव हो गया, हुडली हो गया, ठीक है सब हो गया। अच्छा ठीक है कसार देवी हो गया, फल सीमा, अच्छा योग वाला बताइए, योग,
योग भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, कहां? वेरी गुड, फल सीमा, बहुत बढ़िया। लोहित थाप की विशेष बात क्या है? एक जगह योग डांस हो रहा है, एक जगह शिकार डांस हो रहा है, पहले शिकार फिर डांस। यस लोहित थाप। और शवागार और कप मार्क्स कहां मिले हैं? यस रामगंगा घाटी, गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा मृद भांड। ओके, तो मैं समझता हूँ बढ़िया होगा होगा आपको, है एक बार आप इसको देखिए, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया आपको ये हो जाएगा। अच्छा एक तो मेरे को ये कहना है, देखिए जब आप, अगर आपको जल्दी रिवाइज करना है, अगर आपको लग रहा है वीडियो स्लो चल रही है, तो जब आप कोई भी यूट्यूब वीडियो खोलेंगे, कोई भी किसी सब पर अप्लाई है, तो राइट साइड में ऊपर की तरफ तीन डॉट्स होते हैं, ठीक है। जब आप तीन डॉट्स को प्रेस करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, और उसमें एक ऑप्शन आएगा प्लेबैक। क्या आएगा? प्लेबैक। ओके, तो जब प्लेबैक ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, प्लेबैक ऑप्शन को, तो उसमें एक तो नॉर्मल वाला ऑप्शन होता है, नॉर्मल यानी कि जो जिस स्पीड से मैं बता रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, उसी स्पीड रहेगी। और अगर इस स्पीड को आपको बढ़ाना है, रिविजन में स्पीड बढ़ाकर करें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, टाइम से होगा, वो आप कर दीजिए 1.25। तो जब 1.25 आप क्लिक टच कर देंगे, तो ये स्पीड जो बोलने की है, वीडियो की है, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी वीडियो का रिविजन करें, किसी भी वीडियो का रिविजन करें, तो ऐसे करेंगे तो उस समय आपका टाइम बच जाएगा। ओके, एक तो ये बात आपके साथ शेयर करनी थी, दूसरी बात आपके साथ ये शेयर करनी थी कि देखिए, हाँ, जो हमारी समृद्धि है, जो व्यक्ति की समृद्धि है और दरिद्रता है, वो किस बात पर निर्भर करती है? यस, हमारी जो व्यक्ति की समृद्धि है या दरिद्रता है, वो निर्भर करती है हमारी मानसिक स्थिति पर। हमारी जैसी मानसिक स्थिति होगी, हमारी अवस्था भी ऐसी होगी। ओके, तो अगर आपको समृद्ध होना है, तो आपको इसका मतलब है अपनी मानसिक स्थिति को समृद्ध करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी मानसिक स्थिति को समृद्ध कर लिया, तो आपकी जो स्थिति है, आपसे जुड़े लोगों की स्थिति जो है, वो भी अपने आप समृद्ध हो जाएगी, आपके पास समृद्धि अपने आप आएगी। लेकिन अगर हमने अपनी मानसिक अवस्था को ऐसे बिल्कुल डाउन बना के रखा, तो स्थिति हमारी दरिद्र ही रहेगी। तो सबसे पहले क्या चेंज करना है आपको? यस, ग्राफ ऊपर की तरफ, किसी भी साधन से, ठीक है। ओके, तो ये बात शेयर करनी थी। तो क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। हुडली कहां पर अवस्थित है? ग्वार खया गुफा, किमनी गुफा और मलारी जो है किस जिले में है? बनकोट किस जिले में है? ओके, लाखू, लाखू, लोहेथा, कफरकोट, कसार देवी और फलसीमा किस जिले में है? पहली बात, ठीक है। हुडली से किस रंग के शैल चित्र मिले हैं? सफेद रंग के शैल चित्र कहां से मिले हैं? रंगीन चटकदार चित्र कहां से मिले हैं? सोने का मुखावरण कहां से मिला है? कप मार्क्स के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कत्थई रंग का जो चित्र है, डांस करता हुआ, नृत्य करता हुआ, कहां से मिला है? आठ तांबे की मानवाकृतियां कहां से मिली हैं? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहां है? ओके, ठीक है। अब हथियार और पशु के शैल चित्र कहां से मिले हैं और किस रंग के? योग और नृत्य करती हुई मानवाकृतियां कहां मिली हैं? लाखों की खोज कब हुई? साक्ष्य स्थान है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का एक स्थान है, उसके साक्ष्य मिले। तो लाखों किस जिले में है? लोहेथा किस जिले में? ये हो गया। अच्छा, शिकार और डांस करते हुए जो चित्र है मानव का,
वो कहां से मिला है, धूसर मृदभांड कहां से मिले। ओके, समापन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारे इसमें फैक्ट्स मिलेंगे और उत्तराखंड की परीक्षा के लिए, चाहे किसी पर लेवल पर हो, चाहे यूके पीसीएस हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे वन अधिकार, किसी भी हर चीज के लिए उत्तराखंड के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन का समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट इसी के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद जय भारत।